गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के कार्यक्रम में अपने संबोधन में आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लिए भारत एक सोच, हमारे लिए भारत विविध विचारों का संगम है। तो राहुल गांधी ने फिर से आरएसएस को लेकर निशाना साधा है। कई बार राहुल गांधी आरएसएस को लेकर निशाना साधते हैं, और आपको बता दें कि अमेरिका दौरे पर है, वहां भी उन्होंने आरएसएस को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए भारत की बात की जाए तो विभिन्न विचारों का संगम है, जबकि आरएसएस की बात की जाए तो भारत बस एक सोच है। आरएसएस बिलीव्स दैट इंडिया इज वन आइडिया एंड वी बिलीव that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. तो इस खबर पर हमारे साथ मिलन भार्गव जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। आनंद जाट भी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, देखिए, कई बार राहुल गांधी ऐसे निशाना साधते आए हैं, और आरएसएस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो आप इस बयानों को लेकर क्या समझते हैं, और क्या आपको लगता है कि वाकई ये बड़ा हमला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा रहा है, इसकी पुनरावृत्ति है। कांग्रेस पार्टी में आप देखिए, लगातार प्रहार हिंदू संस्कृति और सनातन पर किया जा रहा है। राहुल गांधी चुनकर आते हैं, सदन के नेता बनते हैं, 10 साल बाद एमकेएन कांग्रेस पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए कामयाब भी होती, तो राहुल गांधी पहला भाषण ही हिंदू संस्कृति के गलत डिस्क्रिप्शन से देते हैं। आज जब वो अमेरिका जाते हैं, अन्य देशों की तरह पहले भी गए वो, तो भारत को लगातार अपने अपमानित करने का काम करते हैं। अब अधूरा ज्ञान और किस प्रकार का ज्ञान देकर वो भगवान को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, गलत डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये बताता है कि वो हिंदू संस्कृति को जानते समझते भी नहीं है। क्योंकि चुनाव आते तो जनेऊ धारण कर लेते हैं, फिर वो किस जाति के होते हैं देश और कांग्रेस को नहीं मालूम होता है, ये बताना चाहिए। लेकिन आखिर हिंदू संस्कृति ने और भारतीय धर्म ने इनका बिगाड़ा क्या है? ये लगातार प्रहार कर रहे हैं, जो कि नहीं। मिलन जी, मिलन जी, राहुल गांधी तो यहाँ आरएसएस पर ये निशाना साध रहे हैं कि जो भारत है वो सबको एक साथ लेकर चलने का देश है, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस ये नहीं समझती, आरएसएस के लिए बस एक सोच है भारत, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन है, आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन के रूप में शुमार हुआ है, तो अपने कार्य और अपने जीवन पद्धति को जीने के कारण आज राहुल गांधी जी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके दादा और दादी समझा करते थे उस बात को, शायद वो ज्ञान ले लेते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ पाते। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यही हो, ना देश की संस्कृति को समझती है, ना देश के इतिहास को, ना देश के संगठनों को। राहुल गांधी को यदि ज्ञान है तो जितने भी आतंकवादी संगठन है उनकी भरा हुआ ज्ञान है, उसके बारे में जरूर वो अच्छा बोलेंगे, लेकिन देश के सामाजिक और राष्ट्रवादी संगठन है, उनके खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना, दूसरे देशों में जाकर भारत को कितना अपमानित करेंगे राहुल गांधी, ये राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। आनंद जी, मिलन जी का तो ये कहना है कि राहुल गांधी को ही जवाब देना चाहिए कि बार बार किसी और देश में जाकर अपने देश को ही अपमानित कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी का ये कहना है कि आरएसएस, जो कि हमेशा से वो कहते आ रहे हैं कि देश को बांटने का काम करती है। देखिए, नफरत और विभाजन की जो राजनीति है, उस राजनीति का की शुरुआत जो है आरएसएस ने की है, और यही कारण रहा कि जब राष्ट्रपिता की हत्या में इस संगठन का नाम आया तो भारत के पहले गृह मंत्री जो सरदार पटेल साहब थे, उन्होंने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये संगठन जो है वो है क्या, किस भारत के किस कानून के अंतर्गत पंजीकृत संगठन है? ये कोई मतलब इस तरह का संगठन नहीं है जो पंजीकृत हो भारत के कानूनों के अंतर्गत। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। किसानों को गले लगाना हो, इंजीनियरों को गले लगाना हो, लोको पायलट की बात करनी हो, ये बातें सब प्रधानमंत्री को करनी चाहिए।
लेकिन विपक्ष का नेता कर रहा है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। खुद आप लोगों को विभाजित करो, लोगों के पीड़ाओं को सुनो मत, उन्हें अनसुना कर दो। नेग्लिजेंस जो सरकार का है वो इतना भारी है कि किसी की बात नहीं सुननी है उन्हें। किसान जो है किसानों के लिए बिल लाते हैं, किसानों से पूछते नहीं है। छात्रों के लिए बिल ले आते हैं, छात्रों से नहीं पूछते हैं। तो जो अभी ब्रॉडकास्ट बिल में भी यही दिक्कत थी कि ब्रॉडकास्ट बिल में उन कंट्रीब्यूटर से पूछा ही नहीं जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, बिना पूछे काम करते हैं। और अगर लोगों से बात की होती, प्रधानमंत्री लोगों का दर्द समझते तो राहुल गांधी। आनंद जी ठीक है, ये बात ठीक है, मैं एग्री करती हूँ कि ठीक है राहुल गांधी जी किसानों से मिलते हैं, कई वर्ग से लोगों से मिलते हैं, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि बार बार विदेश में जाकर इस तरह से भारत के लिए बात करना क्या कितना उचित है, क्योंकि देखिए देश तो सबका है ना आनंद जी। भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे क्या जो मोदी जी उनके बारे में कुछ भी जाकर कह देते थे? और जब मोदी जी ने सिडनी में जाकर ये कहा कि भारत में शौचालय नहीं है, ये सम्मान की बात थी, बहुत सम्मान था। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर जाकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि 600 करोड़ लोगों ने वोट किया, कहाँ है भारत की इतनी जनसंख्या? ये झूठ झपाट की राजनीति नहीं चलेगी। असली मुद्दों पर आइए, महंगाई क्यों बढ़ रही है, 2 करोड़ रोजगार कब आएंगे, किसानों के मुद्दे कब हल होंगे, ये सब चीजें इस देश में जरूरी है। महिला सुरक्षाओं पर जो है भाजपा के नेता जो है वो मुंह नहीं खोलते हैं, बल्कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने में सबसे ज्यादा इन्हीं के नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भाजपा जो है दोहरी और दोगली राजनीति करती है। मिलन जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए राहुल गांधी एक बार नहीं कई बार ये हमला कर चुके हैं, तो बार बार ये क्यों आरोप लगता है? और सबसे बड़ी बात बिलन जी ये है कि एक तरफ अगर बात की जाए, देखिए हर कोई देश के हित में ही सोचता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी इस तरह के निशाना साध चुके हैं। देखिए संस्कृति का ये द्योतक है, देखिए आप जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को सिखाया जाता है कि सबसे पहले उसका राष्ट्र है, देश है, उसके बाद पार्टी है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिखाया जाता है कि सबसे पहले उनका नेता, उनकी पार्टी, उसके बाद देश है। देश को लगातार अपमानित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, अपने राजनीतिक मंशा को किस प्रकार से पॉलिटिक्स में चमकाने का जो असफल प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसमें बार बार असफल हो रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि देश को अपमानित करके आप जनता के दिलों पर प्रहार कर रहे हैं। जो जनता देश को राष्ट्र मानती है, पूछती है भारत माता को, आप बार बार उनको तोड़ने का, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, मैं सुन रहा था भी महिला अपमान की बात, तो महिलाओं का अपमान तो लगातार आपके पीसीसी दफ्तर में हो रहा है। महिलाओं को जूते चप्पल मार के निकालने की बात हो रही है, और आपका अध्यक्ष दलित महिलाओं में, मध्य प्रदेश की दलित महिलाओं में चाशनी खोजा था भरे चुनाव में, और आज भी वो अध्यक्षी निभा रहे हैं। क्यों नहीं हटा दिया, क्यों नहीं आपने प्रहार किया, क्यों आपने विरोध नहीं किया? आनंद जी आप जैसे कार्यकर्ताओं को महिला सम्मान के लिए थोड़ी सी जिद दिखानी चाहिए थी, थोड़ी हिम्मत दिखाकर आप विरोध करते तो जीतू पटवारी जी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो दलित महिलाओं में चाशनी खोज लेते। आप लगातार महिलाओं को बात कर रहे हैं, कितने सिलेक्टिव आपका नैरेटिव होता है। मिलन जी देखिए ये मैं दोनों ही पार्टियों से कहूंगी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से, महिला सुरक्षा को लेकर देखिए राजनीति होती है, लेकिन कहीं भी मनसा, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लूं, मैं मणिपुर की बात कर लूं, देश के कई हिस्सों, राजधानी दिल्ली में ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन क्या होता है ना, राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, आरोप प्रत्यारोप होता है। लेकिन कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने फिर से निशाना साधा है आरएसएस को लेकर। हालांकि देखिए अभय मुद्रा को लेकर भी फिर से एक बार बहस छिड़ गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।